एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कास्टर एनफ क्रीम के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस क्रीम के बारे में। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये डब साबुन और ये एलोवेरा जेल यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, तो मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दूँगी। मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कास्टर एनफ को जो यूज़ करने का सही तरीका है वो क्या है। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, कई मैंने अभी यूट्यूब पर देखा कि कई लोगों ने लिख रखा है कि सफ़ेद दाग मिटाने के लिए ये क्रीम बहुत यूज़फुल है। तो आप इस क्रीम को सफ़ेद दागों को हटाने के लिए बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये सफ़ेद दाग नहीं हटाती है। ये क्रीम ओनली फंगल इन्फेक्शन के लिए है। अगर आपकी स्किन पर काफ़ी एलर्जी है या फिर आपकी स्किन बहुत रफली हो गई है, जैसे कि मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है सर्दियों में, और गर्मियों में भी होने लग जाती है, और स्किन पे पपड़ी सी छूटने लग जाती है या फिर स्किन पर खुजली होती है, तो इस क्रीम ने एक रात में ही मेरे को सारा आराम दिला दिया। मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई थी। तो मैं हमेशा ऐसी क्रीम्स के ख़िलाफ़ रहती हूँ, लेकिन मुझे ये क्रीम बहुत बेस्ट लगी, इसलिए मैंने इसको आपका रिव्यू पहले भी दिया है और अब भी दे रही हूँ, क्योंकि ये क्रीम बहुत अच्छी है। मगर आपको उसको यूज़ करने का सही तरीका पता होना चाहिए, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। तो मैं आपको इस क्रीम का पूरा फ़ायदा बताऊँगी, तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट, आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर बहुत कंपटीशन चल रहा है कि 10,000 या 1,000 सब्सक्राइबर होने पर ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरी वीडियोस को देख सकें और मैं आपके साथ रह सकूँ हमेशा। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। कास्टर एनफ जो है सफ़ेद दागों के लिए नहीं होती, पिंपल्स के लिए नहीं होती, ये ओनली एंटी फंगल्स के लिए होती है। आपके अगर स्किन पर फंगल हो गया, फंगल इन्फेक्शन, तो ये उसके लिए होती है। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर काफ़ी काई वगैरह जमी हुई है, तो उससे क्या होता है आपकी स्किन पर थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होने लग जाती है या फिर स्किन पर पपड़ी छूटने लग जाती है, दान थोड़ा थोड़ी ड्राई स्किन भी है अगर आपकी, तो आप इसको यूज़ करके देखें एक बार। ये जो क्रीम है 15 ग्राम की है और इसका रेट है 65 रुपीज़, ओनली 65 रुपीज़। और ये काफ़ी अच्छी कंपनी की क्रीम है, मुझे बहुत बेस्ट लगी। मैंने आपको जैसे बताया, एक ही रात में इसने बहुत काम किया। तो आपको ओनली फंगल इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ करना चाहिए। और आपको क्या करना है इसको यूज़ करने के लिए, आपको इसको सिर्फ रात में लगाना है, ना कि आप दिन में लगा रहे हैं, कभी भी लगा रहे हैं, आपको इसको रात में लगाना है। और क्या करना है, आपको डव साबुन यूज़ करना है, सब कुछ छोड़ के फेस वॉश वगैरह, डव साबुन से अपना फेस वॉश कीजिए दिन में 3 बार, और रात को जब ये क्रीम लगाएं अपना फेस डव से वॉश कर लीजिए, और फिर ये क्रीम लगाइए रात में, आपको एक रात में ही फ़र्क लग जाएगा। और आपको ये क्रीम 6 से 7 दिन ही यूज़ करनी है बस, उसके बाद नहीं करनी। उसके बाद 6 से 7 दिन, आपको एक दिन में ही फ़र्क लग जाएगा, पर आप इसको 6 दिन तो यूज़ कीजिए, और उसके बाद आप इसको हफ्ते में एक बार लगाइए, फिर 15 दिन में एक बार लगाइए, और फिर महीने में एक बार लगाइए, और फिर छोड़ दीजिए। फिर आपको इसको यूज़ नहीं करना है, फिर आपकी स्किन पर जो फंगल इन्फेक्शन है आने से डरेगा। ओके, फिर जो हम नेक्स्ट बात करते हैं एलोवेरा जेल के बारे में। जब आप कास्टर एनफ का यूज़ करनी है 6 डेज़, तो आपको क्या करना है, डेली रात में अगर आपको अपनी स्किन को अच्छा बनाए रखना है, तो एलोवेरा जेल या तो आप घर का यूज़ कर लीजिए, मेरी आप वीडियो भी देख सकते हैं कैसे बनाना है, या फिर आप पतंजलि का ला सकते हैं, अच्छा है ये, मैंने भी यूज़ किया है। तो आप डेली 6 दिन बाद आप इसको रोज़ रात को अपने फेस को वॉश करके डब से इसको लगाइए अपने फेस पर, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन काफ़ी अच्छी बन जाएगी। और कास्टर एनफ का यूज़ बहुत अच्छा है, मेरा मेन फोकस इसी पर है, मगर इसके साथ जो चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। डब साबुन आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा नहीं होता है। आपको फेस वॉश की जगह डब साबुन यूज़ करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा लगेगा, आप देखेंगे कि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप इसको यूज़ कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।